हमने हिमाचल प्रदेश के स्वर्ण जयंती के इस वर्ष में बहुत सारे कार्यक्रम निर्धारित किए थे, लेकिन इस बीच में कोविड की सेकंड लहर आने के कारण हमको उस बहुत सारे कार्यक्रम को स्थगित करना पड़ा। उन कार्यक्रमों में से एक कार्यक्रम ये भी हमने तय किया था कि हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का एक विशेष सत्र हम आयोजित करेंगे और उस सत्र के अंतर्गत हम सभी विधायकों के अतिरिक्त जो पूर्व में विधायक रहे जिन्होंने हिमाचल के सफर को देखा है, जो इस हिमाचल के सफर के साथी रहे और मेंबर पार्लियामेंट एक्स मेंबर पार्लियामेंट, उन सबको भी आमंत्रित करेंगे ताकि राष्ट्रपति मोदी जी उनको उस दिन संबोधित कर सकें। तो 17 तारीख को ये कार्यक्रम निर्धारित हुआ है। हम आभारी हैं राष्ट्रपति मोदी जी के, उन्होंने उनको निमंत्रण दिया, उन्होंने हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, वो आ रहे हैं और 17 तारीख को ये कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद फिर अगला 2 दिन का उनका और भी स्टे हिमाचल प्रदेश में है, 19 तारीख को उनकी बैठक। सर सर्वदलीय बैठक भी है क्या? आज शाम को हम बैठेंगे सभी दल, चूँकि राष्ट्रपति राजनीति से ऊपर होते हैं, तो इसलिए हम सबको उस कार्यक्रम की गरिमा को समझते हुए उनका भी अभिनंदन करना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए और मैं पूरा उम्मीद रखता हूँ कि सभी दलों के साथ जब बातचीत होगी तो अच्छे माहौल में वो सारी बातचीत होगी और इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए सबका सहयोग होगा। सर स्वर्णिम में हिमाचल रथ यात्रा भी जो 2 अक्टूबर से बताई जा रही है, शुरू हो रही है, क्या बड़े केंद्रीय नेतृत्व उसमें रहेंगे? देखिए अभी तक उसके लिए रूपरेखा बन रही है, पिछले कल भी चर्चा हुई है दिल्ली में और अभी कुछ दिनों में बहुत जल्दी इसकी रूपरेखा बन करके तैयार हो जाएगी और ये यात्रा हर विधानसभा क्षेत्र में ले जाने की सब लोगों की एक इच्छा है और उस यात्रा के माध्यम से हिमाचल प्रदेश का आज तक का सफर लोगों के सामने रखने का एक अवसर होगा और हिमाचल प्रदेश ने हर क्षेत्र में प्रगति की और उस प्रगति में हिमाचल प्रदेश के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो योगदान जो जिन लोगों का रहा है वो उनके लिए समर्पित होना चाहिए, ना किसी नेता विशेष के लिए, ना किसी पार्टी विशेष के लिए। इसलिए इस कार्यक्रम का स्वरूप उस तरह से हम बना रहे हैं कि हिमाचल के आज के इस मुकाम पर पहुंचने के लिए हर एक वर्ग का योगदान रहा है, एक मजदूर का एक योगदान अपना रहा है, एक इंजीनियर का अपना रहा है, डॉक्टर का अपना रहा है, टीचर का अपना रहा है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका अपना रोल रहा है। तो सबके रोल को उसमें समाहित करते हुए हम आने वाले समय में और हिमाचल को आगे ले जाने के लिए काम करें, ऐसा उस यात्रा के माध्यम से संदेश। विपक्ष के नेता प्रतिपक्ष हो गया विक्रमादित्य सिंह, टिप्पणी करते हैं, मैं उन पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। सर जॉनसन एंड जॉनसन जो कंपनी है वो सिंगल टीका बना रही है सर और कसौली में उसका परीक्षण हो रहा है, हिमाचल के लिए कितने गर्व? हमारे लिए खुशी की बात है, जॉनसन एंड जॉनसन की ओर से अगर ये कोविड वैक्सीन की जो सिंगल डोज वाली जो उसका जो परीक्षण चल रहा है अगर उसमें सफलता होती है तो निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व की बात है हिमाचल प्रदेश के लिए और मैं समझता हूँ कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूशन होगा। थैंक यू सर।